इस किस्से में सूरह हूद में पूरी तफसील है। तो वहाँ जब लूत अलैहिस्सलाम के पास भी पहुँचे हैं तो उन पर भी डर और खौफ का माहौल गालिब आ गया। वो कहने लगा हाज़ा यौमुन असीब, ये तो बहुत सख्त दिन है, सख्त दिन है ना। क्यों? तो इसलिए कि उनके पास तो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में पहुँचे थे और उनकी कौम की मुसीबत ये थी कि वो लड़कों के साथ बदकारी करते थे। तो ये तो बड़ी मुसीबत का दिन आ गया, तो बहुत परेशान है, मन्नत समाजत कर रहे। तो वहाँ क्या कहा? वहाँ भी कहा कि या लूत इन रुसुल रब्बिक, ए लूत हम आपके रब के फरिश्तादा हैं, फरिश्ते हैं हम। तो वहाँ भी ये बात हमको देखने को मिलती है। बहरहाल फरिश्तों ने कहा कि डरिए नहीं, और फिर खुशखबरी सुनाई। किस बात की? बेगुलामिन अलीम, जानने वाले लड़के की। तो ये जानने वाले लड़के कौन हैं? इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सूरह हूद में वदाहत है कि कहा कि इसहाक भी अल्लाह ताला ता फरमाएगा, व मिन वराई इसहाक याकूब, और इसहाक के साथ उनके साहबजादे हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी खुशखबरी सुनाई। तो बेटे की भी खुशखबरी सुनाई और पोतरे की भी खुशखबरी सुनाई। और इस बेटे के सिलसिले में जो सिफत बयान की वो क्या है? तो वो अलीम है, अलीम, जानने वाला।